भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला चंबा की जिला स्तरीय बैठक भाजुमो जिला अध्यक्ष विनायक राणा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस चंबा में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजुमो प्रदेश के अध्यक्ष विशाल चौहान, जिला प्रभारी विपिन निहारिया, भाजपा जिला विस्तारक संजीव मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 2 मार्च को चंबा के हर विधानसभा क्षेत्र में 500-500 बाइक की रैली निकाली जाएगी। इस बैठक के दौरान इस रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने कहा कि भाजुमो आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है और संगठन द्वारा बैठक कर अपने पद अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इसी के तहत 2 मार्च को भी जिला भर में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों बारे जागरूक किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने। युवा मोर्चा जिला चंबा की बैठक का आज जिला अध्यक्ष विनायक रैना जी की अध्यक्षता में आज चंबा में आयोजन किया गया है। बैठक में युवा मोर्चा द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले जो कार्यक्रम पार्टी ने दिए हैं उनको लेकर के चंबा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना बनाने का काम आज इस बैठक में हम कर रहे हैं। 2 मार्च को चंबा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली का आयोजन करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा बाइक और वाहन जो है वो आप अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में उस दिन रैली में भाग लेंगे। केंद्र सरकार की जो 5 साल की जो जनता हितैषी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के, मोदी जी की जो योजनाएं उन योजनाओं को लेकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में संदेश देंगे कि देश को फिर से आगे ले जाना है और देश को अगर सशक्त नेतृत्व देना है तो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो चंबा जिला की जनता से हम आह्वान करेंगे इस रैली के माध्यम से, जिस प्रकार से 2014 के चुनावों में आपने मोदी जी का साथ दिया था, पुनः आप मोदी जी का साथ दें, इसके लिए युवा मोर्चा बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।